हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू द टॉपिक। अराउंड 15 से लेकर 20 MCQs हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो दिस वीडियो विल बी वेरी मच इन्फॉर्मेटिव फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। देखिए, ट्रिब्यूटरीज हम उन स्मॉल स्ट्रीम्स को कह सकते हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ रिवर को कह सकते हैं, जो मिलकर मेन स्ट्रीम लाइक दिस, जो मिलकर मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करती हैं और वहां से एक नए रिवर का फॉर्मेशन करती हैं। यानी कि छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड ये जाकर एक बड़ी स्ट्रीम का फॉर्मेशन करती हैं, और जो छोटी छोटी रिवर्स स्ट्रीम्स होती हैं हम इनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स जान लेते हैं। द रिवर्स ऑफ इंडिया आर इम्पॉर्टेंट टू द कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट। जो रिवर्स होती हैं वो कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी वाइटल रोल प्ले करती हैं। एज दे प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, हमारे पीने के लिए पानी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, एंड इरीगेशन फॉर क्रॉप्स, एंड इरीगेशन फॉर क्रॉप्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वाटर, एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और एज वेल एज जो वाटर होता है इट एक्ट्स लाइक अ इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और जो वाटरवेज होता है उसको चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। सो द इंडियन रिवर सिस्टम कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू, तो ये टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, द पेरिनियल रिवर सिस्टम और द हिमालयन रिवर सिस्टम। तो देखिए, जो पेरिनियल रिवर सिस्टम होता है यहाँ पर ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर वाटर प्रेजेंट होता है आपकी रिवर्स पे। सो द रिवर्स ऑफ हिमालयाज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द रीजन, द रिवर्स ऑफ हिमालयाज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द रीजन। तो इस रीजन में, हिमालयन रीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं पेरिनियल रिवर्स। दे प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। दे ऑल्सो जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड सपोर्ट लोकल इकोसिस्टम्स। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो सिस्टम्स होते हैं उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये पेरिनियल रिवर्स, और इसके अलावा जो लोकल इकोसिस्टम्स होते हैं वाटर के अंदर, तो उनको भी सपोर्ट करता है, एज वेल एज लैंड इकोसिस्टम को भी। जो वाटर, जो पेरिनियल रिवर्स हैं ये सपोर्ट करती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन पेरिनियल रिवर सिस्टम और द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो देखिए, नॉन पेरिनियल रिवर्स ऐसे रिवर्स होती हैं जहाँ पर, ऐसे रिवर्स ऐसे स्ट्रीम होती हैं जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर पानी नहीं रहता, यानी कि साल के कुछ महीनों में ही ऐसे रिवर्स में पानी रहता है। सच रिवर्स आर कॉल्ड एज नॉन पेरिनियल रिवर्स, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो गए गोदावरी, कृष्णा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पेरिनियल रिवर्स जो साउथ इंडिया यानी पेनिनसुलर रीजन की हैं। इसलिए इसे नॉन पेरिनियल रिवर सिस्टम या फिर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड एंड शैलो यू शेप्ड वैलीज। द वेस्टर्न घाट्स क्रिएट्स द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर रिवर्स, और जो वाटर डिवाइडर का काम करता है, रोल प्ले करता है, वो है हमारे वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को शायद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट रिवर्स को। जहाँ पर फर्स्ट रिवर आती है द गंगा रिवर, जिसको इंडिया का सबसे होली रिवर कंसिडर किया जाता है, सबसे पवित्र, सबसे सैक्रेड रिवर माना जाता है। इसका ओरिजिनेशन का जो पार्ट है, इस ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम गोमुख। तो गंगोत्री ग्लेशियर है, उत्तराखंड में सिचुएटेड है, एंड उत्तराखंड की गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नाम की प्लेस से ये गंगा रिवर ओरिजिनेट करती है। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें गंगोत्री ग्लेशियर कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरकाशी। ये आपने ध्यान में रखना है। तो उत्तरकाशी से ओरिजिनेट होती है हमारे गंगा रिवर। इसका डिस्चार्ज होती है इन द बे ऑफ बंगाल, यानी फाइनली फॉल करती है इन द बे ऑफ बंगाल में। इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर, चंबल रिवर, सोन रिवर, दामोदर रिवर, महाकाली, घाघरा, राम गंगा, कोसी एंड गंडक। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। वैसे और भी काफ़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, यमुना, चंबल, सोन, दामोदर, महाकाली, घाघरा, राम गंगा, कोसी एंड गंडक। सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, तो गंगा रिवर लार्जेस्ट रिवर बेसिन फॉर्म करती है वर्ल्ड का। द गंगा बेसिन स्पैन्स अराउंड 860,000 स्क्वायर किलोमीटर्स अक्रॉस 11 स्टेट्स।
द मेन गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी इज घाघरा रिवर, और गंगा रिवर की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो घाघरा रिवर है, ये आपने ध्यान में रखना है। जो गंगा रिवर है इसको नेशनल रिवर ऑफ इंडिया का जो टाइटल मिला था वो 4 नवंबर 2008 को इसको नेशनल रिवर ऑफ इंडिया का जो टाइटल है वो मिला था, ये आपने ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी कंट्री की, जिसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर्स, आप ऐसे याद रख सकते हैं 2525 किलोमीटर्स इज द लेंथ ऑफ गंगा रिवर। यमुना रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर और सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है हमारी यमुना रिवर, ये आपने ध्यान में रखना है। और गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से गंगा रिवर को जाना जाता है। और देवप्रयाग काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर अलकनंदा रिवर भागीरथी रिवर को मीट करती है, और फाइनली उस प्लेस के बाद जो रिवर उनका कॉन्फ्लुएंस के प्लेस से जो रिवर फॉर्म होती है उसको हम गंगा रिवर कहते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें नेम ऑफ गंगा रिवर इन वेस्ट बंगाल, तो देखिए वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर को हुगली रिवर के नाम से जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, चलो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन बांग्लादेश वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेजर स्टेट्स की बात करें तो मेजर स्टेट्स जहाँ पर हमारी गंगा रिवर फ्लो करती है वो है उत्तराखंड, जहाँ से ओरिजिनेट होती है, देन उत्तर प्रदेश में बहती है, देन झारखंड में, बिहार में एंड वेस्ट बंगाल में। जो मेजर पार्ट है वो उत्तर प्रदेश स्टेट का कवर करती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट रिवर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज यमुना रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ओरिजिनेट का जहाँ से ये होती है इसका सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर एट द बंदर पूंछ पीक इन उत्तराखंड। तो बंदर पूंछ जो पीक है उत्तराखंड की, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ये डिस्चार्ज होती है, मीट एट गंगा एट प्रयागराज। तो प्रयागराज में गंगा रिवर एंड यमुना रिवर मीट करती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है प्रयागराज में। और इसका ओल्ड नेम था अलाहाबाद। ट्रिब्यूटरीज की बात करें अगर यमुना रिवर की भी अपनी ट्रिब्यूटरीज होती है, ऑल दो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ tributary of Ganga River, but it itself has some tributaries which are turns हिंडन, चंबल, बेटवा एंड केन। तो ये आपने ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि द टर्न्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो टर्न्स रिवर है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रिवर जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारी गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर के बारे में अब हमें डिस्कस करना है। इसको हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ओल्ड गंगा। गोदावरी रिवर को ओरिजिनेट होती है ये त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ये फ्लो करती है, महाराष्ट्र का जो नासिक है वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, ड्रेन करती है फाइनली इन द बे ऑफ बंगाल में। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो इम्पॉर्टेंट हैं वो है पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती, सबरी एंड मंजीरा। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और गोदावरी रिवर साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी कंट्री की गोदावरी रिवर, लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। तो जो साउथ इंडिया है वहाँ की भी लॉन्गेस्ट रिवर है, इसे ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है या फिर गंगा ऑफ साउथ। थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, ये बहती है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट जो रिवर हमें डिस्कस करनी है दैट इज कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट करती है फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है, डिस्चार्ज होती है, यानी फाइनली मीट करती है इन द बे ऑफ बंगाल में, ये आपने ध्यान में रखना है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं तुंगभद्र, घटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, मोसी एंड मुनेरू। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर, ये आपने ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि द रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के स्टेट में ये फ्लो करती है, ये आपने ध्यान में रखना है। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम महाबलेश्वर एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट रिवर जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम ताला कावेरी, लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका। तो कर्नाटका में जो ताला कावेरी प्लेस है यहाँ से
ओरिजिनेट होती है कावेरी रिवर. आप ऐसे याद कर सकते हैं, के स्टैंड्स फॉर कर्नाटका एंड के स्टैंड्स फॉर कावेरी. सो इसको गंगा ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है और गोदावरी रिवर को वृद्ध गंगा या फिर गंगा ऑफ साउथ के वृद्ध गंगा या फिर ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है नॉर्थ गंगा ऑफ साउथ, क्योंकि गंगा ऑफ साउथ कावेरी रिवर को कहा जाता है. ये डिस्चार्ज होती है इन द बे ऑफ बंगाल में और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं हरांगी, हेमावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मणा तीर्था, नोयल एंड अरकावती. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर. इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, द रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु. तो कर्नाटका और तमिलनाडु में बेसिकली ये रिवर फ्लो करती है, ये आपने ध्यान में रखना है, कावेरी रिवर. तो नेक्स्ट रिवर जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज़ महानदी रिवर. तो महानदी रिवर ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सिहावा माउंटेन्स छत्तीसगढ़ में. ये डिस्चार्ज होती है इन द बे ऑफ बंगाल में. इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं एब, हस्तो, शिवनाथ, ओंग, तेल, सोनदुर एंड पैरी. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर. इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि द लार्जेस्ट डैम द हीराकुड डैम इज बिल्ट ऑन दिस रिवर. तो इंडिया का जो लार्जेस्ट डैम है, जो हीराकुड डैम है, उड़ीसा में सिचुएटेड है, तो वहाँ पर ये महानदी रिवर के ऊपर ही बना है, ये आपने ध्यान में रखना है. बात करें इंडिया के हाईएस्ट डैम की, तो इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है वो है टेहरी डैम, ये आपने ध्यान में रखना है, जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर बना है. तो आपको होमवर्क है कि आपको बताना है कि गंगा रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है जिसके ऊपर टेहरी डैम बना हुआ है. सो अब हम देखेंगे द नेक्स्ट रिवर विच इज़ इंडस रिवर. तो इंडस रिवर ये डिस्चार्ज होती है अरेबियन सी में. ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी झेलम, चिनाब, रावी, बीस एंड सतलज, द झास्कर एंड द शयोक द एंड द नुब्रा एंड द हुंजा. सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर. इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, द इंडस वाटर ट्रीटी जो 19th of September 1960 को हुई थी बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, इंडस वाटर ट्रीटी जो 19th of September 1960 में हुई थी. नेक्स्ट रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ब्रह्मपुत्र रिवर ये डिस्चार्ज होती है बे ऑफ बंगाल में. ट्रिब्यूटरीज हैं इसके लोहित, सुबानसिरी, कामेंग, बैलसिरी एंड धनशिरी, मानस, संकोश, तीस्ता, दिब्रू, तिहिंग, कलंग, पुरही एंड दिकू. सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ये आपने ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसका, नोन एज सांगपो इन टिबेट, फ्लोज थ्रू चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश एंड नोन एज जमुना इन बांग्लादेश. तो जो मैं आपको बताई थी, इसको जमुना रिवर कहा जाता है बांग्लादेश में, ये आपने ध्यान में रखना है. सो थोला सादिया ब्रिज और भूपेन हजारिका ब्रिज, तो ये लोहित रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ये भी आपने ध्यान में रखना है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. तो नेक्स्ट है जो हमारा, दैट इज़ नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से इन मध्य प्रदेश स्टेट. तो मध्य प्रदेश स्टेट के अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, ड्रेन होती है इन अरेबियन सी इन द भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, द ओनली नर्मदा, ताप्ती एंड माहे रिवर रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो यही रिवर है जो ईस्ट से लेकर वेस्ट में फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में ड्रेन होती है, ये आपने ध्यान में रखना है. ऑल्सो कॉल्ड एज रेवा रिवर. तो जो नर्मदा रिवर है इसको रेवा रिवर के नाम से भी जाना जाता है और सरदार सरोवर डैम इसके ऊपर सिचुएटेड है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है. फ्लो थ्रू द स्टेट्स ऑफ MP, गुजरात एंड महाराष्ट्र में ये फ्लो होती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट रिवर जो डिस्कस करनी है दैट इज तापी रिवर. तापी रिवर ओरिजिनेट होती है इन सतपुरा रेंज ऑफ सदर्न मध्य प्रदेश. डिस्चार्ज होती है गल्फ ऑफ कैम्बे इन अरेबियन सी में. ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी वघोर रिवर, अनेर रिवर, गिरना रिवर, पूर्णा रिवर, पंजारा रिवर एंड बोरी रिवर. नर्मदा एंड तापी आर द मेजर रिवर्स इन इंडिया दैट फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैलीज. इसके अलावा एक दामोदर रिवर भी है, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो रिफ्ट वैलीज के थ्रू फ्लो करती है, ये आपने ध्यान में रखना है. तो
अब हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक. तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा रिवर. तो नर्मदा रिवर के ऊपर ये डैम बना हुआ है जिसका नाम है इंदिरा सागर डैम. मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नर्मदा रिवर की बात करें तो नर्मदा रिवर अमरकंटक हिल से निकलती है. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. इंदिरा सागर डैम इज अ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश इन सेंट्रल इंडिया. इट इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर विच फ्लोज फ्रॉम सेंट्रल इंडिया टू वेस्टर्न इंडिया. तो सेंट्रल इंडिया से वेस्टर्न इंडिया की तरफ बहती है नर्मदा रिवर. नर्मदा के साथ तापी रिवर भी फ्लो करती है टूवर्ड्स द वेस्ट, यानी अरेबियन सी में जाकर ड्रेन करती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती अरकावटे भवानी चिन्नारी हेमावती एंड हुन्नुहुले काबिनी एट्सेट्रा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि कावेरी रिवर. तो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती जो हमने डिस्कस किया था एंड अरकावटे भवानी चिन्नारी हेमावती एट्सेट्रा. सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर. ये आपने ध्यान में रखना है. तो कावेरी रिवर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. अगर बात करें तो हमने देखा था ये ताला कावेरी से निकलती है. ये हमने देखा था. इसकी लेंथ मैं आपको बता दूँ, अराउंड 805 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये फाइनली ड्रेन होती है इन द बे ऑफ बंगाल में और सदर्न इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द कावेरी रिवर इंक्लूड हेमावती शीशमा हुनुहुले अरकावती काबिनी लक्ष्मण तीर्था लोकपावनी भवानी अमरावती एंड नोयल रिवर्स. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी रिवर की, ये आपने ध्यान में रखना है. सोर्स हम देख चुके हैं ताला कावेरी और वेस्टर्न घाट से ये निकलती है, ये आपने ध्यान में रखना है. तो जो देखिए ताला कावेरी है ये भी कर्नाटका में इससे निकलती है. कर्नाटका का जो कूर्ग डिस्ट्रिक्ट है जो काफ़ी फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए, तो कूर्ग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है कावेरी रिवर. ये भी आपने ध्यान में रखना है. कूर्ग डिस्ट्रिक्ट इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लूनी रिवर विच ओरिजिनेट्स इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज एंड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए लूनी रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है राजस्थान की. तो लॉन्गेस्ट रिवर राजस्थान की है और हम इसे एज अ लाइफ लाइन ट्रीट कर सकते हैं राजस्थान की. तो देखिए जो पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती है अरावली रेंज में, हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है तो हमें बताना है कि ये फाइनली कहाँ पर जाकर एंड होती है. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि रन ऑफ कच्छ में जाकर ये फाइनली ड्रेन होती है लूनी रिवर. ये आपने ध्यान में रखना है. इट ओरिजिनेट इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज नियर अजमेर पासेस थ्रू द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द थार डेजर्ट एंड एंड्स इन द मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ इन गुजरात. तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ये फाइनली एंड होती है आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 495 किलोमीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा रिवर. तो नर्मदा रिवर का जो सोर्स है वो अमरकंटक है, ये आपने ध्यान में रखना है. सो द रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक प्लेटो आर नर्मदा रिवर द सोन रिवर एंड द चोहिला रिवर. ये आपने ध्यान में रखना है. नर्मदा रिवर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है. सो नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम अमरकंटक. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द संकोष रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम एंड वेस्ट बंगाल के बीच में बाउंड्री फॉर्म करती है द संकोष रिवर. ये आपने ध्यान में रखना है. संकोष इज वन ऑफ द नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. तो ब्रह्मपुत्र रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है संकोष रिवर जो असम एंड वेस्ट बंगाल के बीच में एज ए बाउंड्री की तरह वर्क करती है. संकोष रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन असम एंड वेस्ट बंगाल. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंबल रिवर। तो चंबल एक ऐसे रिवर है जो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही एंड हो जाती है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही एंड हो जाती है। चंबल रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है, राइजेज इन द विंध्या रेंज जस्ट साउथ ऑफ मो, वेस्टर्न प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में ये ओरिजिनेट होती है। इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ इन टू द साउथ ईस्टर्न राजस्थान में ये एंटर करती है, उसके बाद ओरिजिनेट एज वेल और ये ओरिजिनेट होती है एज वेल एज एंड होती है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिनेट होती है, जहाँ से इसका सोर्स है, वो है कैलाश रेंज ऑफ हिमालयस। तो कैलाश रेंज से ये ओरिजिनेट होती है हिमालयस की और फाइनली ड्रेन होती है इन द बे ऑफ बंगाल, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें कैलाश रेंजेस की, तो ये तिब्बत के पार्ट में सिचुएटेड है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अगर हम बात करें इंदस रिवर की, तो देखिए इंदस रिवर का जो सोर्स है, तो इंदस रिवर का जो सोर्स है वो है माउंट कैलाश इन द वेस्टर्न तिब्बत। तो माउंट कैलाश वेस्टर्न तिब्बत में जो इंदस रिवर का है, ये इंदस रिवर का सोर्स है, ये आपने ध्यान में रखना है। या फिर इंदस रिवर का सोर्स हम अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें, तो मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक इन द टिबेट रीजन, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और जो लोग हैं यहाँ के, द पीपल हैव आइडेंटिफाई दिस एज सिंघी, यानी कि इस रिवर को सिंघी के नाम से जाना जाता है इस रीजन में, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। अगर हम बात करें कोसी रिवर की, तो अभी हमने देखा इंदस रिवर के बारे में और हमने देखा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर कैलाश रेंजेस से ओरिजिनेट होती है और इंदस रिवर बेसिकली मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। और कोसी रिवर की बात करें, तो ये नेपाल और तिब्बत के रीजन के अराउंड के आस पास से ओरिजिनेट होती है, सिंपल से आपको इतना ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। सो गोदावरी रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा एंड इज द सेक्रेट रिवर ऑफ सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया। रिवर गोदावरी इज नोन एज दक्षिण गंगा, इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इट राइजेज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्जेस इट्स वाटर इन टू द बे ऑफ बंगाल में, डिस्चार्ज करती है नासिक से ओरिजिनेट होती है। लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। तो इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा राजा सागर डैम लोकेटेड इन कर्नाटका इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कावेरी रिवर के ऊपर बना है ये कृष्णा राजा सागर डैम। कृष्णा राजा सागर डैम इज लोकेटेड इन कर्नाटका एंड इज बिल्ट ऑन द कावेरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गंगा रिवर। तो गंगा रिवर को कहा जाता है एज द होम फॉर द फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स, और डॉल्फिन इट्स को कहा जाता है एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, और गंगा डॉल्फिन बेसिकली गंगा डॉल्फिन्स आर कंसिडर्ड टू बी द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ द कंट्री। सो द गैंगेस रिवर डॉल्फिन कैन ओनली लिव इन द फ्रेश वाटर, डॉल्फिन आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड। गैंगेस रिवर डॉल्फिन वंस लिव्ड इन गैंगेस, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णापुली संगो रिवर सिस्टम्स ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। इट इज सेड दैट द स्पीसीज इज एक्सटिंक्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस, और जो ये स्पीसीज है गंगा रिवर डॉल्फिन की, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटिंक्ट हो रही है। तो जो फ्रेश क्योंकि जो गंगा जो कि जो डॉल्फिन्स होती हैं उनको फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर सर्वाइवल, और जो फ्रेश वाटर है वो काफ़ी उसकी जो अमाउंट है उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती जा रही है। तो देयरफॉर जो गंगा डॉल्फिन्स है वो एक्सटेंट होती जा रही हैं, और गंगा डॉल्फिन्स इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि लूनी रिवर। तो लूनी रिवर जो राजस्थान में फ्लो करती है, अजमेर इसके बैंक में लोकेटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है। अजमेर सिटी सिचुएटेड इन सेंट्रल राजस्थान नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इट वॉज फाउंडेड बाय अजय देव ऑन 11th सेंचुरी अ राजपूत रूलर, इट इज़ सराउंडेड बाय अरावली रेंजेस से सराउंडेड है, इट इज़ ड्रेन्ड बाय हेड स्ट्रीम्स ऑफ लूनी रिवर फ्लोइंग साउथ वेस्ट
flowing southwestward, westward, and by tributaries of Barnes River flowing eastward. Next question, at which of the place does Alaknanda and Bhagirathi meet and take the name Ganga? तो ये हम discuss कर चुके थे, right answer हो जाएगा इसके लिए. Option number A, यानी कि देवप्रयाग. तो देवप्रयाग is the name of the place जहाँ के बाद Alaknanda और Bhagirathi river की streams मिलती हैं और उसके बाद से इसका नाम होता है गंगा. At देवप्रयाग river, Alaknanda and Bhagirathi confluence and form Ganga. Next question, which of the following is the most abundant dissolved ion in the ocean? Right answer ho jayega option A, yani ki chlorine. So chlorine is considered to be the most abundant dissolved ion in ocean. Ye aapne dhyan mein rakhna hai. There are 6 abundant ions of seawater, namely chloride, yani Cl negative, sodium, yani Na positive, sulfate, yani ye SO4 2 negative, मैग्नीशियम यानी Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम यानी Ca2 पॉजिटिव एंड पोटेशियम यानी K पॉजिटिव. तो ये आयंस है जो अबंडेंस में पाए जाते हैं इन द सी वाटर, ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which river is known as the Ganga of South? Right answer हो जाएगा option C, यानी कि कावेरी river. तो कावेरी river को कहा जाता है as the Ganga of South, ये आपने ध्यान में रखना है. The कावेरी river is known as the Ganga of South और दक्षिण गंगा, यानी भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा यानी Ganga of South. और वृद्ध गंगा कहा जाता है टू गोदावरी river. And Bangan and Banganga river of Rajasthan is called as Arjuna's Ganga. तो या फिर इसे गंगा ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है बनगंगा को, ये आपने ध्यान में रखना है. बनगंगा इज नोन एज अर्जुनास गंगा और अर्धगंगा ऑफ राजस्थान, ये भी आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट डिजॉल्व आयन इन द ओशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरीन. तो क्लोरीन के जो आयन्स होते हैं, क्लोराइड आयन्स होते हैं, वो मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट डिजॉल्व आयन्स हैं इन द ओशन में. तो देयर आर 6 अबंडेंट आयन्स ऑफ सी वाटर नेम्ड इज क्लोराइड यानी Cl नेगेटिव, सोडियम यानी Na पॉजिटिव आयन्स, सल्फेट यानी SO4 2 नेगेटिव आयन्स एंड मैग्नीशियम यानी Mg2 पॉजिटिव आयन्स, कैल्शियम यानी Ca2 पॉजिटिव आयन्स एंड पोटेशियम यानी K पॉजिटिव आयन्स. सो दीज आर द आयन्स विच आर फाउंड इन अबंडेंस इन द ओशन. नेक्स्ट, विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ? देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है गंगा ऑफ साउथ और दक्षिण गंगा में. देखिए अभी मैं आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर करूंगी. तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कावेरी रिवर. तो कावेरी रिवर को गंगा ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है. तो कावेरी रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ या फिर दक्षिण भारत की गंगा. देखिए दक्षिण गंगा कहा जाता है टू द गोदावरी रिवर एंड दक्षिण भारत की गंगा दैट इज कावेरी रिवर. एंड बनगंगा इज नोन एज अर्जुनास गंगा. तो जो बन गंगा है राजस्थान की, उसको गंगा ऑफ राजस्थान या फिर अर्जुनास गंगा के नाम से जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कावेरी रिवर ओरिजिनेट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्नाटका. मैंने आपको के स्क्वायर करके सिखाया था, के स्टैंड्स फॉर कावेरी, के स्टैंड्स फॉर कर्नाटका. तो कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है कावेरी रिवर. द रिवर कावेरी ओरिजिनेट एट तारा कावेरी इन कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ the hills in the western ghats at an elevation of 1341 meters and drains a total area of 81,155 square kilometers. Next question, which river is known as Sorrow of Bihar due to its frequent flooding? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोसी. तो कोसी रिवर को सौरव ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस रिवर में काफ़ी ज़्यादा फ्लड यानी बाढ़ की शिकायतें काफ़ी रहती हैं. सो कोसी रिवर इज नोन एज द सौरव ऑफ बिहार एंड इट हैज़ कॉज्ड वाइड स्प्रेड ह्यूमन सफरिंग इन द पास्ट ड्यू टू फ्लडिंग एंड वेरी फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द कोर्स व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम नेपाल टू बिहार. तो काफ़ी फ्रिक्वेंट चेंजेस आते हैं, फ्लडिंग होती है इस रिवर में, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज द सौरव ऑफ बिहार. अगर हम बात करें सौरव ऑफ बंगाल की, तो कौन से रिवर को सौरव ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दामोदर रिवर. तो दामोदर रिवर को सौरव ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस जॉग फॉल्स, ऑल्सो नोन एज जेरोसुपा फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शारावथी रिवर। तो शारावथी रिवर के ऊपर जो जॉग फॉल्स हैं ये सिचुएटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है, जिनको जेरोसोपा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। जॉग फॉल्स इज अ वाटरफॉल ऑन द शारावथी रिवर लोकेटेड इन सिद्धापुर तलुक उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स व्यू पॉइंट इज लोकेटेड इन सागर तलुक शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इंडिया। इट इज सेकेंड हाइस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया, और ये इंडिया का सेकेंड हाइस्ट प्लंज वाटरफॉल है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टॉन्स। तो टॉन्स कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, एंड यमुना रिवर इट सिर्फ गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। द ब्रह्मपुत्र इज द नाइन्थ लार्जेस्ट एंड द फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इन अरुणाचल प्रदेश द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज सियांग और दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को, ये आपने ध्यान में रखना है। टर्न्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर जिसकी लेंथ है 148 किलोमीटर्स, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना तुंगभद्र एंड भीमा आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि कृष्णा। तो कृष्णा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना तुंगभद्र एंड भीमा रिवर्स। सो कोयना, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, गटप्रभा, भीमा एंड तुंगभद्र एंड मूसी। मूसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर, ये आपने ध्यान में रखना है। आपको ये भी बताना है कि मूसी रिवर सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ विच सिटी, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब तेल एंड हस्दो रिवर्स आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महानदी। तो महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है एब तेल एंड हस्दो रिवर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चंबल रिवर इट इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। अदर देन दैट गोमती, गंडक एंड कोसी दीज आर द रिवर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। चंबल इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। नागार्जुन सागर डैम इज ऑन कृष्णा रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन टू द अरेबियन सी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि नर्मदा रिवर फ्लो करती है इन द अरेबियन सी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, नर्मदा, तापी एंड दामोदर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश स्टेट को कवर करती है कृष्णा रिवर, ये आपने ध्यान में रखना है। नागार्जुन सागर डैम इज ऑन कृष्णा रिवर। So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये video पसंद आया होगा। So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the best for your coming examinations.